नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में हिंसा भड़क उठी। पुलिस की गिरफ्त में आए उपद्रवियों में अधिकांश किशोर और बच्चे हैं। बच्चों की आड़ लेकर पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें कई पुलिस कर्मी और आरएएफ के जवान घायल हुए हैं। पीएसी का एक वाहन भी फूंक दिया गया। कई बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने बिजली के खंभों में भी आग लगा दी, जिससे कई इलाकों की बत्ती भी गुल हो गई। शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद भीड़ एक जगह जमा हो गई और पुलिस से नोकझोंक करने लगी। पुलिस ने समझा बुझाकर नमाजियों को वहां से हटा दिया। इसके बाद प्रशासन को लगा कि मामला शांत हो गया है और लोग अपने घरों में चले गए हैं। लेकिन कुछ देर बाद बड़ी संख्या में भीड़ फिर मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज अटाला और नूरुल्लाह रोड के पास जमा होने लगी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करना चाहा तो फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस और आरएएफ के जवानों ने उपद्रवियों को खदेड़ लिया। उपद्रवी मोहल्ले की गलियों में घुस गए। जब पुलिस गली में घुसी तो छत पर से पथराव शुरू कर दिया गया। सड़क पर और छत पर दोनों जगहों से पथराव होने से स्थित बेकाबू हो गई। पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उपद्रवियों ने पुलिस और पीएसी के वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने करौली इलाके में गलियों में घुसकर तीन उपद्रवियों को उनके घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस गली में घुसी तो चारों तरफ से पथराव शुरू हो गया। बावजूद इसके पुलिस ने गलियों में घुसकर तीन उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस फोर्स के साथ आईजी प्रयागराज राकेश सिंह भी पहुंचे थे। भारी पुलिस बल को देखते ही छतों पर से पुलिस फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस दौरान कई पत्थर पुलिस कर्मियों को लगे। भीड़ के बीच फंसे आईजी ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी एडीएम के साथ कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कुछ बाइकों को भी फूंक दिया। पथराव और आगजनी में आरएएफ के जवान सहित कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं। बताया जाता है कि पथराव और आगजनी में ज्यादातर किशोर ही शामिल रहे। कुछ बच्चों को पुलिस ने दबोच लिया है। उनसे मामले में पूछताछ की जा रही है। कुछ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो अपने को मीडिया पसंद बताने लगे। बावजूद इसके पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाकर थाने ले आई है। यह है थाना खुल्दाबाद करेली, इनका बॉर्डर लगता है। आईडी नीचे था भाई। इस इलाके में नमाज सकुशल अता हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। करीब 2 बजे का टाइम था। चूंकि इन सभी के घर भी यही है, एक बहुत बड़ा इलाका है। उसके बाद कुछ नई उम्र के लड़के गलियों में आए, उनको समझाने का प्रयास किया गया। उनमें से कुछ लोगों ने ईंट पत्थर चलाए, जिसके जवाब में पुलिस ने काफ़ी देर तक समझाया बुझाया। डीएम साहब भी मौजूद थे, हम मौजूद थे और अधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं माने, बहुत छोटे छोटे नाबालिग लोग भी थे, उसमें बड़े लोग भी थे शामिल थे। उसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके सभी लोगों को अपने अपने घरों को रुखसत किया। सभी लोग वापस चले गए। लेकिन उसके बाद भी चूंकि काफ़ी बहुल इलाका है, विशेष समुदाय का यहाँ, वो लोग गलियों में आते रहे और नारेबाजी वगैरह करते रहे। उनको लगातार पुलिस समझाती रही लाउड हेलर का प्रयोग करते हुए। उन्होंने ईंट पत्थर चलाए, हमारी पुलिस फोर्स मौजूद थी, काफ़ी धैर्य का परिचय दिया गया। हल्की फुल्की चोटें आई हैं कुछ पुलिस जनों को भी, और बाकी लोगों को हल्की चोटें हैं, कोई ज़्यादा चोट नहीं है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, परंतु लगातार सतर्क दृष्टि रखी जा रही है कि कुछ शरारती तत्व दोबारा से गलियों में आकर के नारेबाजी या ईंट पत्थर न फेंकने लगे।
उसके लिए यहाँ फोर्स पूरा मुस्तैद है। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।